दोस्तों मैं श्री रसोई में आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी हेल्दी और एक मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बनाना बहुत ही आसान है। हार्डली 5 से 7 मिनट में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, बहुत ही झटपट से ये टेस्टी नाश्ता स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, इस बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं ये 1/2 कप जितने हरी मटर के दाने। उसके साथ ही लिए हैं 2 मीडियम साइज की प्याज जिसे बारीक कट कर लिया है, 1 टीस्पून जितने स्वीट कॉर्न जिसे हल्का सा उबाल लिया है, 1 शिमला मिर्च बारीक कट करके, साथ ही ले लिए हैं थोड़ी सी किशमिश और ये लिए हैं 1 टेबल स्पून जितने काजू। फ्रेंड्स, इसके लिए आपके पास जो भी सब्जियाँ हों और आप कच्ची खा सकें, जैसे कि नॉर्मली गाजर होती है, बीन्स होती हैं, मूली होती हैं, और अगर आपको आलू बहुत पसंद है तो आलू के साथ आप इस मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो बस अब बारी है इसे हल्का सा गर्म करने की। तो उसके लिए क्या किया, गैस ऑन करी, उसके ऊपर कढ़ाई रखी और उसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल। आप इसमें नॉर्मल कुकिंग ऑयल का यूज़ ना करें, या तो सरसों का तेल और या फिर आप बटर के साथ इसे ट्राई करें। सरसों का तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हुआ, एक बार गैस का फ्लेम ऑफ किया और फिर से ऑन कर दिया और उसमें डाल दिया ये काजू। इसमें आपको जीरा, राई, ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, तभी इसका प्रॉपर टेस्ट आएगा। बस काजू हल्के से गर्म हुए, उसके अंदर डाल दी शिमला मिर्च और शिमला मिर्च के साथ ही डाल दिया ये स्वीट कॉर्न। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको भूनना नहीं है, बस गर्म भर करना है और उसके बाद डाल दिया ये फ्रोज़न मटर। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा उन्हें उबाल जरूर लें। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जो भी सब्जियां ली हैं उन्हें आप आराम से कच्ची खा सकते हैं। और 1/2 प्याज तो हमने इस समय डाल दिया और 1/2 हम यूज़ करेंगे बाद में। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बस ये डाल दी किशमिश और किशमिश का हल्का मीठा टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर कई बार होता है ना मीठा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और उसके साथ ही डाला 1/4 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला। आप चाहें तो इसमें 1 नींबू का रस डाल सकते हैं और आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम मटर को हल्का सा मैश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे मैश नहीं करना है, बस हल्का सा प्रेस कीजिए। और ये देखिए मटर हल्का हल्का सा मैश हो गया है और सब चीज़ें बढ़िया सी पक चुकी हैं। अब ये डाल दिया खूब सारा हरा धनिया, आप चाहे तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उल्टा पलटा। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी सी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ले लिया 1 मिक्सी का जार और उसमें डाल दी हमने ये 4-5 हरी मिर्चें, 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा अदरक का टुकड़ा लिया है और कुछ कलियाँ ले ली हैं लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, और लहसुन खाते हैं तो ज़रूर डालिए, बढ़िया टेस्ट करती है। 2 टेबल स्पून जितनी ले ली सूजी, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बढ़िया टेस्ट करेगा। और ये गया 2 टेबल स्पून जितना दही, जितनी आपने सूजी लिया है बिल्कुल उतना ही दही ले लें। और सब चीज़ों को एक साथ चला लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका मेन इन्ग्रीडियंट वो है मूँग की दाल, ये पीली वाली मूँग की दाल है, आप चाहें तो हरी वाली से भी ट्राई कर सकते हैं, और भी बढ़िया बनेगा। मूंग की दाल को मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था, आप चाहें तो पूरी रात के लिए भिगो सकते हैं, और ज़्यादा जल्दी है तो हल्के गुनगुने पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दें। मूंग की दाल फटाफट भीग के तैयार हो जाती है। इसे 2-3 पानी से वॉश किया, जितना एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है, और इसी मिक्सी के जार के अंदर हम ये दाल डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें आप बहुत ज़्यादा पानी डालकर ना पीसें, ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। और ये देखिए करीब 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला और हमारी दाल बढ़िया सी स्मूथ हो गई है। इसके लिए आप दाल को एकदम अच्छा बारीक पीस लें, दर दर ऐसा ना छोड़ें, वरना बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने दाल पीस के रखी है उसका टेक्सचर एकदम स्मूथ है। उसे कर लिया 1 मिक्सिंग बाउल के अंदर और अच्छा रंग उठाने के लिए मैंने डाल दिया 1 पिंच जितना हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया। और किसी सामान डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड हमने इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब पहले ही डाल रखा है। और ये देखिए एकदम बढ़िया सा बैटर तैयार है, परंतु अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और उसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया और ये गया
एक से दो टेबलस्पून जितना पानी फ्रेंड्स इसका जो आपको बैटर रखना है, जिसे नॉर्मली हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके का रखना है, क्योंकि हम बना रहे हैं मूंग की दाल के बहुत ही क्रिस्पी डोसे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे और हेल्दी तो है ही। आप देख ही रहे हैं कि हमने इसमें जो भी सामान डाला है काफ़ी टेस्टी और हेल्दी है। तो अब बारी है डोसा बनाने की, तो उसके लिए गैस ऑन करिए और उसके ऊपर मैंने भारी पैदे का एक तवा रख दिया है और उसे कर लिया है देसी घी के साथ अच्छे से ग्रीस। लेकिन फ्रेंड्स हमें इसमें इस तरीके से घी नहीं लगाना है, इसमें मैंने जितना भी घी लगाया है उसे अच्छे से वाइप कर दिया और उसके बाद दो करछी मैंने इसमें इस तरीके से बैटर डाल दिया है और उसके बाद हम इसे इस तरीके से घुमाना शुरू करते हैं। आप चाहें तो एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज जैसे भी आपका हाथ सेट हो, आप इस तरीके से बस डोसे को घुमाते जाएं और देखिए क्या बढ़िया हमारा डोसा बनकर तैयार हो रहा है। एकदम पतला सा डोसा बनाया है। अब बारी है इसमें ट्विस्ट देने की। तो ये मैंने ली एक टीस्पून जितनी हरे धनिए की चटनी, एक टीस्पून जितनी टमाटो केचप, आपके पास सेजवान चटनी हो वो ले सकते हैं, चिली सॉस हो वो ले सकते हैं, यानी आपके पास जो भी है आप उससे इस डोसे की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बस हाफ डोसे पे मैंने अच्छे से इसे स्प्रेड कर दिया और उसके बाद ली अपनी ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी सी स्टफिंग। एक टेबल स्पून जितनी ये भी अच्छे से फैला दी, बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना लगाएं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं चीज़ डालना तो आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं, और अगर आपको चीज़ नहीं डालना है तो आप इसमें मेरी तरीके से पनीर डालिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगा और साथ ही हेल्दी भी रहेगा। तो अब मैंने डाल दिया इसमें ये पनीर। पनीर आप अपने मन से थोड़ा सा कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। और ये गई थोड़ी सी कच्ची प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया और ये डाला थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। और जब फ्रेंड्स इस पे हल्की हल्की सी ब्राउन चकती आने लगे हैं, आप इसमें थोड़ा सा देसी घी और अप्लाई कर दें। अगर आप इसे देसी घी के साथ बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ये ब्राउन होने लगा है, तो हम इसे और एक से दो मिनट तक सेकेंगे और एक दो मिनट में ही आप देखेंगे कि आपका ये जो मसालेदार डोसा है बहुत ही अच्छा सा सिक जाएगा, काफ़ी क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा। तो चलिए ये डोसा तो सिक कर तैयार हो गया है, इसे डिश आउट कर लेते हैं और सेम प्रोसेस से मैं एक और डोसा आपको बनाकर दिखाती हूँ। अच्छे से एक बार इसे वाइप किया और इस तरीके से बस फैला लिया। फ्रेंड्स जब आप डोसा फैलाना शुरू करें आप उसे सेंटर से राउंड राउंड करके घुमाना शुरू करें, इस तरीके से डोसे में जो डिज़ाइन आती है बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें दोनों तरीके की चटनियाँ, ये गई टमाटो केचप और उसके साथ ही हरे धनिए की तीखी चटनी। आप चाहें तो इमली वाली मीठी चटनी लगा सकते हैं, अगर आपके पास वो रखी है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं है तो टमाटो केचप तो सब घरों में होता ही है। और ये गई मज़ेदार सी स्टफिंग और उसके बाद हम इसमें ग्रेट करेंगे पनीर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चों को चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये गया हरा धनिया और लास्ट में गया थोड़ा सा चाट मसाला, और जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन हुआ थोड़ी सी ऑयलिंग कर दी देसी घी के साथ में, और बस ये देखिए हमारा एक और मज़ेदार सा डोसा बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आपने देखा ना, बनाने में समय बहुत ही कम लगने वाला है, घर में जो भी सामान होते हैं आप उससे इजीली ट्राई कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी तो है ही। ये देखिए क्या मज़ेदार स्टफिंग है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। मैंने इसे सर्व किया है हरे धनिए की चटनी और टमाटो केचप के साथ। वैसे इसके लिए सर्व करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें दोनों चटनियाँ लगा रखी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्यार प्यार से कमेंट जरूर करें।